चालाक मोदी सरकार आंकड़ों में भले ही महंगाई को छुपा ले, लेकिन रोज बढ़ रही महंगाई से पिस रही जनता ही जानती है कि वो कैसे गुजर बसर कर रही है। खाने के तेल के भाव ने रसोई के बजट को झटका पहले ही दे रखा था कि रसोई गैस के लगातार बढ़ते दामों ने मध्यम और गरीब वर्ग की हालत खराब कर दी। आटा, चावल, दाल वगैरह ने भी मोदी सरकार से प्रेरणा ले ली और जनता के बजट पर एक और कुठाराघात हो गया। सेब, अनार और बबू गोशा जैसे फल तो खैर अब मध्यम वर्ग सिर्फ सपने में ही देखता है। इतना सब कुछ छीनने के बाद भी जब मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और उसने पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी होने दी, तो अब आम लोगों का नाश्ता भी उनसे दूर होते दिख रहा है। बात चाहे दूध, ब्रेड, बन और अंडों की हो या नमकीन टोस्ट और चाय पत्ती की, सभी के दाम 15-20% बढ़ चुके हैं। कुल मिलाकर खुद के लिए अरबों के हवाई जहाज खरीदने वाले और हजारों करोड़ों के महल बनवाने वाले मोदी जी खुद तो छिप छिपा कर खा लेते हैं, पर आम जनता को कुछ भी नहीं खाने दे रहे। अब आप समझे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का मतलब।